जेब गाइस, ये प्रोविजनल कार फ्लायर इज बैक। क्या बोला? कार फ्लायर? वो कौन होता है? बॉब जो गाड़ी को उड़ाता है। यस, उसके बारे में तेरे को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो कैसे? अब जो आया पीटर, तूने रेस पहले भी खेला है क्या? नहीं, पहले नहीं खेला था। रेस की स्टार्टिंग में लिखा तो था गाड़ी का नाम। तुमने ये क्या कर दिया? गलती से सबमरीन का बटन दबा दिया था यार। तभी तो तेरे को बोलती है मिस्टर नूबलियर। मेरे को थोड़ी पता था कि इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी, और ऊपर से रोड के ऊपर। इसका एक रूल होना चाहिए कि पानी में ही खुले, नहीं तो रोड के ऊपर ट्रांसफॉर्म करके कर भी क्या लेंगे। अगर सुनामी आए तब यूजफुल होगा अभी। और ये मैंने जंप कैसे मिस कर दिया यार? इजी गाइस, नॉर्मल जंप है। यहाँ से जाने का और फिर टर्बो ऑन करने का। टर्बो ऑन हो जा। ओ नो, क्यों भाग दिया ना? हर गाड़ी का बूस्ट डिफरेंट क्यों है? रॉकेट वोल्टिक में तुम लोग दो बार बूस्ट मार सकती हो, इसमें नहीं मार सकती। चलो कोई नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। जंप करने के बाद बूस्ट मार लेंगे, लेकिन तब भी भाग दिया। इस बार पक्का प्रॉमिस गाइस, कंप्लीट करके रहूंगा। क्या स्कैम हो रहा है भैंस की? सिंपल जंप तो है, ऐसे जंप करने का और फिर बूस्ट मारने का और फिर चेक पॉइंट लेने का। जस्ट लाइक दिस ले पाएंगे क्या? आइए, इस वाले रेस में हमें बहुत ज्यादा उड़ना होगा। डरती है क्या? उड़ेंगे रे, और वो भी गाड़ी में, नॉट इन प्लेन। सच बोलू तो इतना आसान भी नहीं है। क्या बात है गाइस, बॉब सच बोल रहा है। मिरेकल्स हो रहे आज तो। मैं तो सच बोलता हूँ। ऐसा है क्या? चल ठीक है, तीन एग्जांपल्स दे जब तूने बिल्कुल सच बोला है। क्या बोला? तीन एग्जांपल? यस, एग्जांपल दो ना, कब सच बोला? बाद में याद करके बताऊंगा, वो दिन कभी भी नहीं आने वाला। सबमरीन में बैठ के चिढ़ा रहा है। कितनी बार बोलूं यार, दिस इज फ्लाइंग कार नॉट सबमरीन। सबमरीन भी तो है, पानी में जा सकती है। वेट अ मिनट, बॉब गलत नहीं है, इसको हम बुलाएंगे मिनी सबमरीन। पर गाइस, आप लोगों ने देखा कितने मस्त तरीके से चेक पॉइंट लिया? क्यों, कैसे लिया? प्लेटफॉर्म के नीचे से चोरी कर लिया। क्या बात है मेरे मालिक, आप तो प्रो चोर हो। ये ज्यादा मक्खन मत मार, बर्गर नहीं दिलाऊंगा। मेरे को लगा तारीफ करूंगा तो बर्गर मिल जाएगा। अब क्या करे, जैसे हम प्लान करते हैं हमेशा वैसे नहीं होता। और अभी शाम हो रही है ना? क्यों, नहीं दिख रहा क्या? ऐसा नहीं है, यूजुअली रेसेस में टाइम चेंज नहीं होता ना, इस वाले में हो रहा है। क्या बात है, मतलब रात के टाइम पे हम लोग उड़ने वाले हैं। और ये क्या टाइमिंग है? अच्छा, वो इन लोगों ने ये वाली गाड़ी दे दी, हम लोग आराम से पानी के थ्रू भी चेक पॉइंट ले सकती है। और कितना गंदा लीक है गाइस, ये बदबूदार छी। जस्ट लाइक यू, सब जानते कि मेरे में से नहीं तेरे में से बदबू आती है। अभी नहीं आती, रोज नहाता हूँ। सच्ची में क्या है चॉप? हाँ, आजकल बॉब रोज नहा रहा है। क्या बात है गाइस, बॉब दी हग्गू के लिए एक गुड बॉय करके कमेंट कर दो। और मैं भूल गया था कि गाड़ी चेंज हो गई थी, बदबूदार पानी मुंह के अंदर चले गया। कैसा टेस्ट था, एकदम गू हग्गू। और इस बार हो जाएगा गाइस, देखो जंप करने का, टर्बो मारने का, बट एक प्रॉब्लम है कि कहाँ पे जाने का। अच्छा, यहाँ पे क्या? आज के दिन तो हम लोग लिटरली पूरे लॉस सैंटोस में स्टंट मार रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मिलिट्री बेस और फिर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, और फिर प्लेन के ऊपर स्टंट मारेंगे। पहले यहाँ तो मार ले नूब। वही ट्राई कर रहा हूँ। बच गया। लगता है कि मेरे जैसे फ्रो के साथ रेस कर करके तेरे रिफ्लेक्सेस भी काफी फास्ट हो गए हैं। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद प्रैक्टिस करा है। वो भी सही है, मेरे लिए अच्छा वैसे देखा जाए तो। नहीं तो गाइस, ये पहले इतना बड़ा नूब था, इतना बड़ा नूब था कि बोर मारता था रेस में। व्हाट अबाउट नाउ? अब थोड़ा कम नूब है तो थोड़ा कम बोर मारता है। अरे ये नहीं होने वाला, रिस्टार्ट करो। ओके, अभी भी ये बहुत बड़ा नूब है। तू ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा फर्स्ट ट्राई में हो जाता है हर बार। और नहीं तो क्या, लास्ट बॉल जो थी वो ट्राई बॉल थी, फर्स्ट बॉल है। देखो कैसे फर्स्ट ट्राई में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। दो नहीं होगा। हेटर्स गोना हेट, आई एम गोना स्केट। यार बहुत ज्यादा क्लोज थे, देख रही होगा इस ट्राई कर करके रात होने को आ रही है। अब तू जहाँ ट्राई बॉल क्या, दो तीन बॉल हो गए, थर्ड बॉल है ये शायद। देखा, तू भी नूब है। किसने बोला तेरे से पहले कंप्लीट करने वाला हूँ ब्रो? ये देखो, ब्रो बोलते चेरी खोलते। वेट अ मिनट, यहाँ पर चेक पॉइंट क्यों नहीं है? ओ नो गाइस, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऊपर से रात भी होने वाली है, हम लोग बिल्कुल भी फेल नहीं कर सकते, सोच समझ के जाना होगा। ये मेरा भी हो गया। क्या बात है, क्या बात है, नाइस तुक्का ब्रो। नहीं तुक्का नहीं है, जो भी हो, बाय बाय लूजर। चीटर, आगे चले गया। बॉब अब रेस में थोड़ी कोई रुकता है। वही तो, तभी तो इसको नूब बोलता हूँ। और एक सेकंड रुको गाइस, मेरी दिमाग में एक मस्त आईडिया आया। क्या है वो? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तू भी वही ट्रिक यूज करेगा। टेंशन नहीं लेने का गाइस, हम लोग अभी फेल नहीं हुए हैं। अगर कोई नूब बंदा होता तो भी रिस्टार्ट मार देता, बट हम लोग उनमें से नहीं है क्योंकि हम पे है दिमाग। ये आराम से प्लेटफॉर्म के पास जाने का और
चेक पॉइंट ले लेने का, क्योंकि कभी कभी स्मार्ट वर्क भी काम आता है। मैं भी करूँगा स्मार्ट वर्क, लेट्स गो। क्या बात है, तू तो काफी पास लैंड हुआ था डैम। मेरे को अपनी तरह समझ रखा है क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तू डॉगी है और मैं एलियन मंकी। और गाइस, आज पहली बार हो रहा है कि हम लोग लिटरली हर एक फ्लाइंग व्हीकल चला रहे हैं। तुमने सही बोला, सबसे पहले हम लोगों ने चलाया वो जेम्स बॉन्ड वाला व्हीकल, और उसके बाद स्क्रैमजेट, अब चला रहे रॉकेट वोल्टेक। और भी व्हीकल्स है क्या? सच बोलू तो मेरे को भी नहीं पता, बट ऐसा फीलिंग आ रहा है कि और भी व्हीकल्स है, तो तेरे को वेट करके खुद पता लगाने का है। वेट करना नहीं पसंद मेरे को, आदत डालो यार, पेशेंस होना चाहिए। अब नहीं है तो कहाँ से लाऊं? प्रैक्टिस माय फ्रेंड, प्रैक्टिस मेक्स यू पेशेंट। क्या बोला, पेशेंट? अबे हॉस्पिटल वाले पेशेंट की बात नहीं कर रहा, और ये मत कहना कि मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता। हेलो, नहीं जा सकता, रिस्टार्ट कर ले। मेरे को अपनी तरह समझ रखा है क्या? मैं ट्राई करेगा पहले। यहाँ से जा सकती है गाइस, बस हमें बूस्ट मारने का। लेट्स गो, बूस्ट मारते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। कोई नहीं गाइस, मर्द को दर्द नहीं होता। वी कैन स्टिल ट्राई, जब तक मेरे पास बूस्ट है अपुन हार नहीं मानेगा। ओ माय गॉड, जिला के पापा जी, क्या स्टंट मारा गाइस मैंने। परफेक्ट लैंडिंग, चेरी गोल्दी। हर बार चड्डी क्यों खोलता रहता है, पहना दिया कर कभी। डायलॉग है यार, सही में थोड़ी चड्डी खोलता हूँ मैं। और ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है गाइस। हेलो चेक पॉइंट, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। काश ऐसे सही में होता, मजे आ जाती। तभी तेरे को नूब बोलता हूँ, टेस्ट था यार। एक प्रो को चैलेंज करने में मजे आती है। टेस्ट नहीं, सरप्राइज टेस्ट है, तुम उसे वैसे भी बोल सकती हो। ये क्या है गाइस, परेशान कर रखा है। भैंस की रेस है, इतना भी नहीं पता गया। सही में क्या, मेरे को लोग हम लोग बिजमी खेल रहे हैं बेवकूफ। ये नॉर्मल जंप से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में आ जाता है रोटेशन, जिसकी वजह से जो हमारा खतरनाक जंप है खतरनाक इंटू 100 हो जाता है। मतलब स्ट्रगल इंटू 100। यस, लेकिन एक एडवांटेज है, देखो यार कितना सुंदर व्यू है। करके रहूंगा गाइस, इजी पीजी वाटरमेलन स्क्वीजी बोलती। ये लेट्स गो। ओके, क्या बात है, पहली बार हम लोग इतने पास आए, नहीं तो हर बार दूर से जाते थे। टच भी कर लिया, क्या बात है, प्रोग्रेशन बोलती। और यार क्या गुलाटी मारी। ऑलराइट गाइस, यही है, आई कैन फील इट, मेरा तेरे से पहले हो गया। तो रेस थोड़ी जीता है, और वैसे भी पहला ऑब्स्टेकल है जो तूने मेरे से पहले कंप्लीट करा, बाकी सारे मैंने तेरे से पहले कंप्लीट करे। ऊपर से देखा क्या स्टाइल में चेक पॉइंट लिया, पता ही नहीं चला कि मैंने चेक पॉइंट लिया करके। सही में मेरे को लगा तुम फेल कर गए। ये क्या, हम लोग तो एक्चुअली में एयरपोर्ट पे आ गए। ये वाला रेस तो बहुत ट्रैवल करा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मेज बैंक के पास थे, अब देखो एयरपोर्ट आ गए। और क्या गाइस, आप लोग वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, हम लोग इस वाले ऑब्स्टिकल में भी दिमाग यूज कर सकती है। लेट्स गो, इतना दिमाग तो मैंने आज तक किसी भी रेस में यूज नहीं करा। एक सेकंड रुको, मेरे को ये चीज इतने प्राउडली नहीं बोलना चाहिए। खैर जो हो गया वो हो गया। टर्बो यार बहुत तेज लगी सर पे, दूसरे डायरेक्शन से जाना होगा। ये वापस से तेरे से पहले मिल गया चेक पॉइंट। तू क्या, मैं तो स्टाइल में चेक पॉइंट लेने वाला हूँ। गाइस अगर गलती से भी ये चेक पॉइंट नहीं मिलेगा तो बहुत गंदी बेइज्जती होगी। दम लगा के आई जा बॉबे भैसा, मिल गया चेक पॉइंट। आई फ्रू बोलते दिमाग यूज करते। दोस्तों अब तो मेरे को इस गाड़ी की आदत हो गई है, वेरी वेरी इजी। वो तो दिख ही रहा है दोस्त, गलत जा रहा है। क्या कह मैं ये भाई 90 डिग्री कैसे मोड़ूंगा मैं, ऐसे आसान तो है, उस डायरेक्शन में जंप करो। अरे हाँ गाइस, चॉप ने तो सही बोला, दिमाग लगाने के चक्कर में कुछ भी करे जा रहा हूँ मैं। वेरी वेरी सिंपल गाइस, सही बोला भिड़ो। यहाँ पर मैं परेशान हो रहा हूँ, और ये बॉब का बच्चा एंजॉय कर रहा है। चुप कर, यू बोलने से कूल नहीं बन जाते। और मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि हम लोग को चेक पॉइंट नहीं मिल पाएगा। नहीं यार ऐसे मत बोलो, नो, हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक थे गाइस। ये के बैस के नीचे से भी चेक पॉइंट नहीं मिल रहा, गाड़ी अटक गई। लगता है वापस से दिमाग लगाने का टाइम आ गया है गाइस, आज सही में बहुत ज्यादा दिमाग यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से टर्बो मारेंगे तो दो चीज होने वाली है, या तो हमारी गाड़ी ब्लास्ट, या फिर हम लोग को चेक पॉइंट मिलेगा। जल्दी कर, मेरे को नींद आ रही है। ज्यादा हीरो मत बन गाइस, पता ऑफ स्क्रीन क्या चल रहा है, बिस्किट खा रहा है। व्हाई यू एक्सपोज मी? कुछ एक्सपोज नहीं है, सब जानते कि तू बहुत बड़ा भुक्कड़ है। और मैं जानता हूं गाइस, मैंने पहले भी बोला है, बट लुक एट दिस, वेरी ब्यूटीफुल। भैंस की ब्यूटी के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, तभी बोलती है ध्यान से खेलो। वही तो कर रहा हूँ। और ये कैसा जंप है भाई, थोड़ा मस्त जंप दो ना, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा कवर हो। वो तो अच्छा हुआ कि अपने पास रॉकेट वाली गाड़ी है, इतनी दूर आ गए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाते। और वो देखो सिटी में चेक पॉइंट दिया, वापस से दिमाग लगाते हैं, रिस्टार्ट नहीं करेंगे। वो यहाँ पर है जल्दी। क्या हो गया, गटर में से पेनीवाइज आ गया क्या? नहीं, उससे भी ज्यादा मस्त चीज है, उल्टा टर्बो चल गया, बचाओ। गाड़ी की तो बैंड बज गई गाइस। हां और तुम लोग क्या बोल रहे थे भैंस की, यार जाली आ बीच में रात की चाय भी कुछ दिखता ही नहीं है गाइस। तेरे को तो सुबह भी नहीं दिखता। हे यू बुली बॉय, ये कहाँ पे बुली करके भाग रहा है, व्हाट इज दिस,
वेव। हम लोग इसी के बारे में बोल रही थी, बैटमोबाइल। अब तो ऑफिशियली जितने भी फ्लाइंग कार्स हम लोगों ने सारे चला लिए। इसी बात पे गाइस, स्मैश द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ये 20,000 लाइक पे न्यूक्लियर की बचपन की फोटो लीक कर दूंगा। ये क्या स्कैम है? लीक बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी चीजें लीक कर देगा। और ये कैसा जंप है गाइस? बैटमोबाइल के साथ कैसे होगा? हो जाएगा क्या? ज्यादा चलाया नहीं है इस व्हीकल को, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन है। हमारे तो हो गया। तो चुपचाप हवा में उड़ और मजे कर, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मेरे को भी चेक पॉइंट मिल गया वैसे। ओह माय गॉड जिला, लगता है यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा गाइस, फुल स्पीड में। फ्रो बोलते चेरी खोलते साइड में चले जाते हैं बहुत बुरी तरह से। कोई नहीं गाइस, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, और ये इतनी बुरी तरह से घूम घूम के परफेक्ट लैंडिंग नहीं हो पाया यार, बहुत बुरा लगा मेरे को। और ये भी पहली बार हो रहा है गाइस, हम लोग पूरी रात रेस कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। प्लीज आज के दिन थोड़ी कम बकवास करना, वो तो मुश्किल है। तब भी एक बार ट्राई करो ना प्लीज। नहीं होगा, बहुत ट्राई करा है मैंने। मतलब आप हमेशा के लिए नालायक ही रहने वाले हो? वेरी गुड, मानना पड़ेगा ये रेस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। वो देखो पीछे सनराइज, मेरी आंखें दर्द कर रही है। सो मच रोशनी। तभी बोलते हैं कि बाहर जाओ, पूरे समर वेकेशन घर पे बैठा रहा। घर पे एसी है, बाहर थोड़ी है। घर पे बैठ के एसी की मजे ये लेता है, बिल मैं भरता हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे मालिक। पॉइंट के पास क्यों नहीं पहुँच पा रहा मैं? बहुत हो रहा है गाइस, अब देखो फुल स्पीड में जाएंगे। नहीं यार माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई। गलती से नहीं, मैं जानता हूँ कि तूने जानबूझ के करा हग्गू। क्या लगता है गाइस, इस बार होगा या नहीं? कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है, हो गया। नेक्स्ट वाला तो इजी है गाइस, बूस्ट मारो और फिर नीचे की तरफ जाओ और पीठ के बल लैंड करो। अरे बहुत तेज लगी रे बाबा, मेरे को बुढ़ापे भी इतने खतरनाक स्टंट नहीं करने चाहिए। और बहुत ही ज्यादा क्लोज था यार, ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाले थे। कम से कम गिरा तो नहीं, खुश रहे। क्यों नहीं हो रहे तेरे से? थोड़ा टाइम दे, तेरे को बीट कर दूंगा। मेरे को भी थोड़ा टाइम दे, तेरे को डीएनएफ दिलवा दूंगा। मेरे को याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैंने इसको कब डीएनएफ दिलवाया था। वही करते हैं गाइस। क्या तेरी को डीएनएफ दिलवाएंगे? Why you bully me? क्योंकि आप बहुत बड़े हग्गू हो और मैं भी बहुत बड़ा हग्गू। इतना सिंपल जंप है गाइस, अपुन कैसे हग सकता है? और इसका टर्बो भी ऑलमोस्ट रॉकेट वोल्टेज जितना है ना, एकदम खतरनाक फ्लेम मार रहा है। और यार ये नीचे क्यों गिरा दिया? चलो गाइस सभी के सभी बॉब दी डीएनएफ किंग करके कमेंट करो। दो नहीं डाको इल्ला है। अभी तो अचानक से मेरे पीछे कहां से आ गया है? ओ नो, भग दिया। वो तो एक्सपेक्टेड ही था, बट एटलीस्ट तेरे को डीएनएफ तो नहीं मिला। कोई नहीं गाइस, अगली बार बॉब को पक्का डीएनएफ दिलवाएंगे।